वेलकम बैक टू माय फ्रेंडली ब्लॉग। और आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ। अगर नहीं समझे हो तो मैं बताऊँ आपको, आज जा रहा हूँ अपने कॉलेज, और कॉलेज में कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम। और गाइज मज़ा बहुत आगा आज कॉलेज में, बहुत कहाँ को कॉलेज को स्कूल में छुट्टी है ना, पढ़ाई है। हाँ। सो साहिब रजा भी तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, जिद कर रहा था ना अभी ये कि मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ, लेकिन ये अपने कॉलेज जा रहा है। जा रहा है अपने कॉलेज। हाँ, पढ़ाई से मत रुकना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चल जा फिर। तो गाइज हम भी निकलते हैं फिर कॉलेज के लिए। पंडितपुर में एंटर हो चुके हैं गाइज, लेकिन यहाँ पर शादी का प्रोग्राम है पीछे, और जहाँ जहाँ शादियों का सीजन चल रहा है इस टाइम। तो दोस्तों काफ़ी थक गए हैं, बहुत लंबा सफ़र है अभी, और अभी आधा सफ़र तय किया हमने, और ये वो ट्रैली जा रही थी आगे से, उसमें गन्ना खींचा है। क्या खा रहे हो ये? गन्ना खा रहे हैं, तुम भी खा लो। काहे का है? अरे कौलिया ही दिखे। दोस्तों गन्ना बहुत मीठा है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज गन्ने खाने में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों चलते हैं फिर, और बाइक पे बैठे बैठे खाएंगे गन्ना। अब देखिए कॉलेज आ गया है, और अब हम कॉलेज में को एंटर हो रहे हैं, और ये का गेट है कॉलेज का, देखा होगा। अभी तो हमें वहाँ पर जाना है जहाँ पर डिग्री कॉलेज है, वहाँ जाना है, और वहाँ पर प्रिंसिपल साहब सब कुछ काम हो रही, कागज जमा करने हैं। हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, थोड़ा हाथ साफ कर ले, क्योंकि अभी गन्ना खाया हमने, और उसके बाद थोड़ा सा चिपचिपाहट हाथ पर है। हाथ धोने के बाद में जो है बढ़ रहे हैं आगे को, और थोड़ा सा अपना कंडीशन थोड़ी सुधार लें, बाल सही कर लें। गाइस देखिए ये गुरुजी का ऑफिस है, प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है, तो इसमें एंटर होंगे हम। सो दोस्तों सब कागज़ लेने के बाद में अब इसको हम अपलोड कराने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए भाई साहब का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम हमें यूज़ करने के लिए दिया है, और कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो फ्रेंड्स देखिए बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ पर एक सब्सक्राइबर मिले हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। क्या नाम है? रोहित आलम। सो फ्रेंड्स काम कंप्लीट हो गया, और नसीम भाई से इजाज़त ले रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, और सपोर्ट रखना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो टाइम भी तो काफ़ी हो गया, चिकन फ्राई खाऊंगा आज। चिकन फ्राई 11:57 हो गए, तो आज तो तुम्हारी तरफ से रहेगी चिकन फ्राई। दोस्तों आज तो मुर्गी बन गए हम दोनों, तो बत्तख की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, मगर काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाँ अब गुरुजी जो है लंच करने चले गए हैं, और वहाँ पर अपने ऑफिस में ताला लगा गए हैं, देते हैं लंच को, लंच रूम में है नहीं है। सो फाइनली दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हो गया है, और अब जो है चल दिया घर को। सुबह से शाम तक काफ़ी टाइम हो गया, और काफ़ी वक्त भी खर्च हो गया हमारा, और भूख बहुत तेज़ लग रही है हमें। तो गाइस हमारा काम कंप्लीट होने के बाद में हम निकल चुके हैं हम, और कैसा लगा भी बोली जाकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। तो फ्रेंड्स रेटा माफी पे एंटर हो गए हम, और ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत गांव बना हुआ है, और यहाँ से क्रॉस करने के बाद में निकलेंगे हम आगे, और काफ़ी दूर दूर तक कोई होटल नहीं दिखाई दे रहा हमें, और वो भी बहुत ही तेज़ी से लग रही है, बहुत ही तेज़ी से। तो दोस्तों यहाँ पर हम सुअर कौन सी मिले भाई, कौन सी मिले? दो है, राणा त्रिवेणी। अच्छा त्रिवेणी मिल पर रुके हैं यहाँ पर। हाँ चीनी मिल है, बहुत बड़ी त्रिवेणी मिल है, तो थके हम काफ़ी सफर से, और उस ट्रैली में गन्ना है, और वहाँ से गन्ना खींचेंगे हम, और खाएंगे, और आपको दिखाएंगे फिर। तो गाइस देखिए क्रॉस करने के बाद में, और ये देखिए हमारे जो मित्र हैं दोस्त हैं, ये गन्ना खींच रहे हैं ट्रैली में से, लेकिन टिलारी में जो गन्ना खींचा हमने परमिशन ली पहले, हाँ परमिशन लिया भैया पहले। तो गाइस देखिए ये भाई साहब मिले हमें, क्या नाम भाई साहब आपका? विपिन सिंह। विपिन सिंह, और इन्होंने हमारा चैनल सर्च किया है, सब्सक्राइब किया है,
और इनको बहुत बहुत थैंक्स। और क्या नाम भाई साहब आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार, ये देखिए दोनों टिलारी लेकर आए हैं अपने अपने और बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत खुश हैं हम इनसे मिल के। भैया भाई साहब ठीक है और ये सपोर्ट रखना भाई। तो गाइस देखिए चलते हैं अब यहाँ से और अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ये बड़ा होटल रहमान मुस्लिम होटल और काफ़ी तेज़ी से भूख भी लग रही है हमें। और उधर भाई साहब ताज़ी ताज़ी रोटी नान भाई रोटी बना रहे हैं तो अभी जो हाथ धो लें थोड़े उसके बाद में दिखाएंगे आपको। खाना तो हम बाद में खाएंगे लेकिन भाई मिले हमें और ये हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम भाई साहब आपका? नौशाद भाई मिले हैं। तो दोस्तों अब हम लंच करने के बाद में उठ रहे हैं और खाना बहुत टेस्टी हो रहा था, मज़ा आ गया। और उधर और थोड़ा सा मैं भी पानी पीऊँगा। खाना खाने के बाद में बिल पे कर दिया हमने और बिल भी ज़्यादा नहीं बैठा, बस थोड़ा सस्ता से खाना रहा। और ये भाई साहब हमारे जो है ये भी सब्सक्राइबर हैं और ये होटल वाले हैं। गाइस अब यहाँ से लीव लेते हैं और खाना हमने खा लिया है और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई साहब। और ये रहमानी मुस्लिम होटल है और इनका जो एड्रेस है, एड्रेस क्या भैया इनका? करनपुर। तो करनपुर के जो कि यहाँ पर करनपुर हाईवे पर है और बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही टेस्टी खाना, मज़ा आ गया खाकर। सो गाइस यहाँ से लीव लेते हैं और चलते हैं फिर हम घर के साथ। फ्रेंड्स हम आने वाले हैं ढेला नदी के पुल पर और देखिए जिसका हमें डर था वही हुआ और पुल पर जाम बहुत है। बहुत लंबा तगड़ा जाम है और बहुत टाइम लगेगा यहाँ से कम आधा घंटा जाम में खड़े खड़े। हम भी धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं इस जाम में और बहुत टाइम हो गया हमें खड़े खड़े, कम से कम आधा घंटा हो गया था। बहुत टाइम और मशक्कत के बाद फाइनली दोस्तों हमने जो है जाम को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों उतर गए थे पुलिया पे और पुलिया से भैया हमने सियाद भाई ने लिफ्ट लिया। देखिए सियाद भाई और बताइए सियाद भाई बढ़िया है? अब पैदा चलना पड़ेगा आगे को। सो फ्रेंड्स आ गए हम रास्ते में अपने और घर बस थोड़ी दूर पर ही है। और ये देखिए घर से पहले कुछ स्टूडेंट मिले हमें और ये जो है हमारा चैनल का जो है चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल का आपका शमीम भाई ब्लॉग। हाँ तो देखिए कुछ स्टूडेंट जो पीछे पढ़ा रहे थे उधर लाइक करो सपोर्ट बनाए रखो बस। थैंक यू। सो फाइनली दोस्तों आ गए हमने घर और अब थक गए हैं और थोड़ा सा जो है फ्रेश होंगे और मैं कपड़े भी निकाल रहा हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।